आपको अभी पता चल गया होगा कि इसके पहले की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और बोया VM1 माइक लगाने के बाद की क्वालिटी कौन सी है आपको अच्छी लग रही है। जय हिंद फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, कहीं घूमने जा रहे हो, अच्छी सी लोकेशन हमें मिल जाती है, तो वो लोकेशन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के वीडियो शूट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके अंदर अच्छी से आपको ऑडियो नहीं मिली, ऑडियो मिलती ही नहीं अच्छी, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल के अंदर जो इनबिल्ट माइक रहता है वो इतना अच्छा रहता नहीं है। आप बढ़िया सा ऑडियो बना लोगे, वीडियो बना लोगे सॉरी, लेकिन इसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, अच्छा ऑडियो। और काफ़ी लोग आपको कमेंट्स करके बताएंगे कि भैया यार वीडियो बहुत ही बढ़िया है लेकिन इसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मोबाइल से आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करें तो एक अच्छा सा माइक ले लो, जैसे कि ये माइक क्या है, कॉलर पे लगाने का है, और आप जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्या है, बढ़िया सा वो वीडियो के अंदर ऑडियो मिल जाएगा। अभी जो वीडियो आप देख रहे हो उसके अंदर जो ऑडियो है वो मेरे मोबाइल का इनबिल्ट ऑडियो से ही आपको आवाज़ आ रही है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ किया हुआ नहीं है। आपको पता, आप देख लीजिए कि आपको इसके अंदर कौन सा ऑडियो कोई क्वालिटी। ओके फ्रेंड, अभी जो आवाज़ आ रही है वो बोया M1 माइक मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है और वही माइक में से मैं आपको ऑडियो सुना रहा हूँ। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि इसके पहले की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और बोया VM1 माइक लगाने के बाद की क्वालिटी कौन सी है आपको अच्छी लग रही है।